दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम महेश कुमार वर्णवाल का बुक, जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का बुक है मेनली, तो इसमें हमारा फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज ये है, उसका ऑब्जेक्टिव। तो एक्सरसाइज का नाम है मापन, मेजरमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है डस मीन्स डबसन। डबसन उष्मा की इकाई नहीं होता है। डेसीवन क्या होता है, वो होता है मेनली ओजोन लेयर जो होता है उसका, हम उससे घनत्व मापते हैं। तो डेसीवन यहाँ पे गलत है। और साथ ही जो सही है उसको आपने याद कर लेना है। डेसीवल से हम मापते हैं ध्वनि की प्रबलता, ये होती है ध्वनि की इकाई। अश्व शक्ति में शक्ति की इकाई मापते हैं। अश्व शक्ति क्या होता है, 746 पावर हॉर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है समुद्री मील, हम नौका चालक की दूरी इकाई के लिए समुद्री मील का यूज करते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। और साथ ही डॉप्शन किसका है, ओजोन घनत्व का, ओजोन घनत्व का। और ओजोन लेयर मेनली किसका बना होता है, O3 का, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आवेग का होता है न्यूटन पर सेकेंड आवेग। याद रखिएगा, आवेग और संवेग दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेम ही होता है, पूछा जाता है आपसे। फिर है किरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई है। ध्यान रखिएगा, किरोसिन है तो चाहे वो किरोसिन का घनत्व हो या किसी भी चीज़ का घनत्व हो, तो वो क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यू, ठीक ना। तो ये इसमें से कोई नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमको सुमेलित करना है किसका कौन सा मात्रक है या ऐसे यूनिट है। तो त्वरण का क्या होता है, त्वरण का मीटर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मीटर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन, बल का न्यूटन। कार्य का होता है जूल, कार्य का जूल। आवेग का न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी अदिश राशि है, मीन्स अदिश होता है जिसमें दिशा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, घनत्व, घनत्व इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन, इंपॉर्टेंट है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। नेक्स्ट है, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे रेडियन ही कहा जाता है। और यही होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। तो आंसर क्या होगा इसका भी, रेडियन। फिर है, हमने सुमेलित करना है, इसमें से हम किसके मदद से क्या मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। फिर है सिम्फगोमोनोमीटर, स्फिग्नोमीटर, तो स्फिग्नोमीटर से हम क्या मापते हैं, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। फिर है बोलोमीटर, बोलोमीटर से मापते हैं हम विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। और पायरोमीटर से उच्चताप, अगर आपको सन का टेम्परेचर मापना होगा तो उससे हम क्या मापते हैं, पायरोमीटर की मदद से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस सब में। और ये स्फिग्नोमोनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर से मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक पार से एक, निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि एक पार से एक मीन्स पार से एक जो है ये दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, ये किसका मात्रक होता है, ये दूरी का इकाई, याद रखिएगा, पारसेक या प्रकाशवर्ष दूरी का इकाई है। नेक्स्ट हमारा पास्कल इकाई होता है, तो पास्कल इकाई होता है दाब का, दाब का इकाई पास्कल। नेक्स्ट है कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता का, कैंडेला ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है अदिश राशि क्या है, फिर मैं बताना चाहूँगा, अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होता है लेकिन परिमाप होता है या मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा में क्या होता है, दिशा नहीं होता है। आंसर हमारा होगा ए। और ये सभी क्या है, सदिश राशि है, चाहे बलाघूर्ण हो संवेग हो। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, सदिश राशि क्या है, वेग, वेग ये क्या है, सदिश राशि, इसमें दिशा होता है। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो उसे हम द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, द्रव्यमान मीन संवेग बटे वेग लिखते हैं, तो उसे हमको द्रव्यमान पता होता है। आंसर क्या होगा, सी। फिर है पारसेक इकाई है, तो मैंने जिक्र कर चुका, पारसेक है दूरी की इकाई, दूरी की इकाई। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 16 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। और
एग्जाम के पर्पज से महेश कुमार वर्णवाल का बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसका सिक्वेंसली जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव है सारा मैं कवर कर लूँगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में बताना और लाइक भी करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करना, पर कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम वीडियो को अगर कुछ सजेशन हो तो इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।